कमरेड दोस्तों, भाई और बहनों, जरा मेहरबानी करके सामने बैठ जाइए। भाई मेहरबानी करके जरा सामने बैठ जाइए। सभा तो दिन भर चलेगा ना। पीछे साथी आप लोग नारेबाजी मत करें। साथियों पीछे के कॉमरेड जो पीछे हैं लोग नारेबाजी मत करिए कृपया। आप लोग कॉमरेड भाई और बहनों जरा मेहरबानी करके बैठ जाइए। सभा तो 4 बजे तक चलेगा। सबको सुनाई देना पड़ेगा, सबको बात सुनने पड़ेगा। जरा मेहरबानी करके बैठ जाइए। सभापति मंडली के आदरणीय सदस्यगण, मंच पर उपस्थित केंद्रीय ट्रेड यूनियन और फेडरेशन के नेतागण और हमारे देश के कोने कोने से आए हुए लड़ाकू मजदूर वर्ग के प्रतिनिधिगण, आप सबको यूटीयूसी के ओर से लाल सलाम, सबको हार्दिक बधाई। कॉमरेड कॉमरेड, हमारे देश के कोने कोने से आए हुए आदमी भाई और बहन ही पे है, लेकिन ये पे कितना आदमी है, मंच के ऊपर से जितना दूर तक दिखाई दे रहा, उसके बाद भी जनता है, उसके बाद भी हमारे भाई और बहनों है, लेकिन जितने आदमी यहीं पे है उतने आदमी ही आ रहा है, सड़क पे है, घंटा के ऊपर 2-4 घंटा के हर ट्रेन लेट चल रहा। अभी हमारे जुलूस लेकर हमारे कमरेड और दोस्त और भाई और बहनों आ रहा है और लाखों लाखों आदमी अभी तक रास्ते पे है, सड़क पे है। वो जब आएगा तब सरकार को होश होगा, पता लगेगा आम जनता क्या मांगती है। जब 12 सूत्री मांग पर हमारे महापाणव हमारे ये समारोह, ये 12 सूत्री मांग कोई नया मांग कुछ नहीं, कई साल से 2008-09 साल से 7-8 साल से ये 12 सूत्री मांग लेकर सब ट्रेड यूनियन, हर कर्मचारी फेडरेशन एक साथ हम लोग लड़ रहा है, कोई नया मांग नहीं। लेकिन आजादी के 70 साल बाद ये बहुत शर्म के बाद जो हमारे देश में आज भूखमरी है, हमारे देश में भ्रष्टाचार है, एक कौन आजादी हमको मिला। ये आजादी के लिए हमारे देश के नेतागण शहीदों मृत्यु वरण नहीं किया, ये आजादी के लिए हमारे स्वाधीनता संग्रामीगण फांसी का फंदा अपने गला पर नहीं लिया, ये कौन आजादी है। हमें नारा है ये आजादी, मुझे आजादी चाहिए, भूखमरी से आजादी, मेरे मैं चाहते हैं भ्रष्टाचार से आजादी, मेरे जीवन जीविका की आजादी, मेरे जीने की आजादी, गणतंत्रों जनतंत्रों ये जनवादी व्यवस्था को रक्षा के लिए आजादी, ये हमारे ट्रेड यूनियन के नारा है। मैंने क्या नारा लगाया 12 सूत्री मांग में क्या है, मैंने बोला न्यूनतम वेतन लागू करो। ये कितना श्रम के बाद जो हमारे देश में कोई जातीय वेतन नीति है नहीं, एक एक राज्यों में एक एक किस्म के वेतन, सरकार ने अब तक कोई नेशनल वेज पॉलिसी घोषणा नहीं किया। मैं हमारे मांग ये है कि जातीय वेतन नीति चालू करो, सारा देश में सब मजदूर के लिए एक न्यूनतम वेतन तो चालू करो। हमारे मांग है 18,000 रुपया, वो तो 2 साल पहले 18,000 रुपया था, आज बाजार के भाव जहां, बाजार के हालत जहां, तुमको आज 20,000-22,000 रुपया हो गया। सरकार जब पे कमीशन, सप्तम पे कमीशन, सातवां पे कमीशन में सरकार न्यूनतम वेतन कितना किया, हर आदमी को, हर इंसान को जीने के लिए रोटी की जरूरत होता, कपड़ा की जरूरत होता,
घर की जरूरत होता। ये तो हमारे पुराना लड़ाई, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई। सरकार पे कमीशन के अंदर कितना किया, न्यूनतम वेतन मैंने वही वेतन तो मांगा नहीं, 18,000 रुपया वेतन मांगा है। तो न्यूनतम वेतन सरकार को चालू करना पड़ेगा, एक जातीय वेतन नीति सरकार को घोषणा करना पड़ेगा। हमने क्या बोला, अरे सरकार तुम कान खोल के सुन लो, तुम पूंजीशाही के पक्ष में लिया, एक दफे मजदूर वर्ग के ऊपर देखो, ये मजदूर वर्ग कहाँ है, मजदूर वर्ग को कितना तलब मिलता, कितना रुपया से एक आदमी को जीना संभव होता, कितना रुपया से एक आदमी को जीना संभव होता, उसको समाधान करो। निजीकरण चालू किया, सरकार ने बोला पूंजी चाहिए, हमारे विदेशी पूंजी चाहिए और विदेशी पूंजी के लिए निजीकरण जरूरी है। सरकार को तरफ मेरा एक सुझाव है, सबसे पहले निजीकरण किया राजस्थान सरकार, एक सुझाव है मोदी जी आपके पास, मुझे बताइए, हम लोग को बताइए, राजस्थान में कितना लोग को नौकरी मिला, राजस्थान में कितना पूंजी विनियोग हुआ, कितना पूंजी आया। अब तो सबसे पहले निजीकरण चालू किया, श्रम कानून को संशोधन किया, राजस्थान में तो काज पूरा हो गया। लेकिन आज बताइए राजस्थान की हालत क्या है, अब बताइए गुजरात में हालत क्या है, गुजरात में होने वाला माँ कितना परेशान में है, कितना खतरा में गिर गया, बच्चों को हालत क्या है आप बताइए। आप कहते हैं सबको विकास सबको साथ, तो अच्छा बात, लेकिन जब हमारे जो भी कथा हर रोज हम देश के अंदर देश के कोने कोने में हमको हम लोग को नजर में आते हैं, हाँ विकास पूंजीशाही के विकास आदमी बर्बाद, पूंजीशाही को मुनाफा विकास आम जनता बर्बाद, ये आपके नीति है। मैं आपको ऐलान दिलाना चाहते हैं ये मंच से, आपने क्या बताया, आपको क्या उम्मीद था 2014 चुनाव के पहले, 2014 चुनाव के पहले आपको जो निर्वाचनी इश्तहार आपने क्या बोला, आप इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपने क्या बोला, हमारे ये 12 सूत्री मांग और पूरा मांग सब कोई आपके स्थान में था। आपने बोला नौकरी दिलाएगा, आपने बोला हर साल में 2 करोड़ नौजवान की नौकरी, अब हमारे देश में 3 नागरिक के अंदर 1 नौजवान 2 करोड़ नौजवान के नौकरी के बाद आपने बोला, अब हालत क्या है, नौकरी कहाँ, बेरोजगारी नौजवान ज्यादा से ज्यादा हो गया, नौकरी कहाँ, कोई इंडस्ट्री बनेगा तब तो नौकरी, शॉपिंग मॉल बनेगा, बड़ा बड़ा सब शॉपिंग मॉल बनेगा, नौकरी कहाँ मिलेगा जी। आपने क्या बताया, आपने बताया आपने जब पार्लियामेंट में घुसा आप पार्लियामेंट के भूमि को चुंबन किया, आपने बोला ये जनतंत्र को हम रक्षा करेगा, आप क्या चल रहा, हमारे देश में जनवादी जो कठम हो इसमें त्रिपक्षीय आलोचना कमेटी, त्रिपक्षीय कमेटी काम करेगा, बातचीत करेगा, तब कोई फैसला होगा। आपने एक त्रिपक्षीय कमेटी को माना नहीं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, भारतीय श्रम सम्मेलन में आप उद्घाटन किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप उद्घाटन के बाद उद्घाटन के टाइम आपने ये वादा किया, जो जितना त्रिपक्षीय कमेटी है उतना त्रिपक्षीय कमेटी को मर्यादा दिया जाएगा, इतना त्रिपक्षीय कमेटी को मर्यादा दिया जाएगा। आप इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के डिसीशन के सिद्धांत उसको भी आपने मान्यता दिया नहीं, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में यह सिद्धांत हुआ था, हमारे जो आंगनवाड़ी कर्मी, हमारे ये मिड डे मील कर्मी, हमारे ये लाखों लाखों बहन आंगनवाड़ी मिड डे दिशा में काम कर रहा,
उन सबको श्रमिकों को मर्यादा मिलेगा, उन सबको प्रोविडेंट फंड सामाजिक सुरक्षा मिलेगा। अब क्या हुआ है? मोदी जी आप पूछिए, आप सोचिए देश के हालत, देश के हालत क्या हुआ। तो इसी के हालत पर मैं एक बात एकदम सर्वश्रेष्ठ में एक बात पूछना मांगता, मोदी जी नोटबंदी या जीएसटी, नोटबंदी के बाद जीएसटी के बाद इतना कमती पूंजी विनियोग हुआ, गया 25 साल में इतना कमती हुआ नहीं, 25 साल से सबसे ज्यादा, 25 साल के अंदर सबसे ज्यादा, सबसे कम से कम पूंजी विनियोग हुआ नोटबंदी और जीएसटी के बाद। तो इसी के लिए दोस्तों ये लड़ाई चलेगा, हमें संघर्ष में जाना है, बस संघर्ष, ये लड़ाई के जो अभिमुख, ये अभिमुख बस संघर्ष के ऊपर अभिमुख है। ट्रेड यूनियन ये मांग पेश किया, 12 सूत्री मांग, ये मांग हर जनता के मांग, देश के कोने कोने जो आम जनता सबके मांग। हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन करने के समय बताया, ट्रेड यूनियन को जो मांग वो मांग आम जनता के मांग। तो आज ये कहेगा मोदी जी सरकार कान खोल के सुन लो, जनता आती है, जनता सड़क पे हाजिर, पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं, प्रधानमंत्री के सचिवालय ज्यादा दूर नहीं, मंत्रिमंडली कान खोल के सुन रहो, जनता आती है, जनता सड़क पे हाजिर हो गया। आप सबको अभिनंदन के साथ हमारे वक्तव्य खत्म करता, आपको सब लाल सलाम।